हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। मैं आज में बात करने वाला होंडा अल्जर के बारे में, जो कि अपने टू न्यू वेरिएंट्स के साथ जो है वो लॉन्च हो गई है। इनमें बात करने वाला कि जो अल्जर है फ्रेंड्स, इसके अंदर में किस तरह के टू न्यू वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे एंड इन वेरिएंट्स के अंदर हमें किस तरह के फ्यूचर स्पेसिफिकेशन एंड जो इंजन ऑप्शन है वो देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो होंडा अल्जर है फ्रेंड्स, इसके अंदर टोटल टू न्यू वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमें प्लेटिनम ऑप्शनल एंड सिग्नेचर ऑप्शनल, इस तरह से हमें टोटल टू वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि हमें 7 सीटर 2.0 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ ही जो है हमें देखने को मिलेंगे। इसका जो बेसिक प्राइस है वो हमें 19.41 लाख रुपीज़ में हमें इसका जो बेस मॉडल है हमें देखने को मिलेगा। एंड अभी बात करने वाला कि किस तरह के चेंजेस जो है हमें इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, के अंदर हमें 7 सीटर लेआउट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दोनों वेरिएंट्स जो है वो हमें डीजल एंड पेट्रोल दोनों पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि हमें 157 bhp के पावर के साथ एंड 191 nm टॉर्क के साथ जो इंजन ऑप्शन है वह देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, सेकेंडरी इंजन जो कि हमें 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि हमें 113 bhp के पावर के साथ एंड 250 nm टॉर्क के साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड, और अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं अभी नया वीडियो लेके आऊंगा। एंड फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमेटिव वीडियोज के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।